आज हम बनाएंगे सुबह के नाश्ते के लिए बहुत ही झटपट और बहुत ही यम्मी और टेस्टी, बच्चों के टिफ़िन के लिए भी दे सकते हैं, तो वो है भिंडी की सब्ज़ी। यहाँ पर एक चम्मच तेल ले ली, तेल अच्छी तरीके से गर्म हो गया, इसमें हमने कड़ी पत्ता ऐड कर दी है। उसके बाद में तुरंत यहाँ पर हम हरी मिर्च ऐड कर देती है, मेरी थोड़ी सी लाल हो गई है तो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। और ये देखिए यहाँ पर मैंने प्याज ले लियो, एक मीडियम साइज़ का प्याज है, उसको बारीक चॉप करके लेना और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना। यहाँ पर प्याज को ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस हल्का से ये पक जाए तब तक पकाना है। ये देखिए परफेक्टली ये स्टेज में आकर यहाँ पर हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर ले लिए, इसे डालकर भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप इस तरीके से बनाते हो तो बच्चों को बहुत ही यमी और टेस्टी लगती है इस तरह की रेसिपीज़। तो यहाँ पर हम एक मीडियम साइज़ का टमाटर है उसे बारीक चॉप करके ले लिए और यहाँ पर इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप सुबह की भाग दौड़ में झटपट अगर टिफ़िन बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके की रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर देखिए टमाटर डालकर हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए, थोड़ा हल्का सा ये टमाटर पक चुका है। तो बस यही स्टेज में आकर हम यहाँ पर जो भिंडी है उसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पर एकदम जाड़ी और बड़ी भिंडी नहीं लेना है, छोटी छोटी जो आती है ना काउली भिंडी बोलते हैं वो लेना है, लेडी फिंगर। और इसे अच्छी तरीके से हमने मीडियम साइज़ में कट कर लिए, इसे मिक्स करके इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए परफेक्टली अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। यहाँ पर हमें एकदम लो फ्लेम पर पकाना है, इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देते हैं और इसे भी मिक्स कर लेते हैं। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो इसे हम ढक कर बस आधे से एक मिनट के लिए धीमी गैस पर पका लेंगे, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी बहुत ही झटपट रेडी हो जाती है। तो ये देखिए भिंडी रेडी हो गई थी। यहाँ पर हम मैगी का मसाला ऐड कर देते हैं, यहाँ पर मैंने हाफ पैकेट ही इसमें ऐड कर दी। ये बहुत ही यमी और टेस्टी लगता है अगर आप इस तरीके का जो भिंडी की सब्ज़ी और मैगी मसाला से बनाते हैं। तो ये देखिए झटपट हमारी भिंडी की सब्ज़ी रेडी हो गई है। तो आप भी इस तरीके से बनाकर ट्राई करिए, रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।